ये है एक 60x सुपर टेलीफोटो लेंस जिसको इस्तेमाल करते हुए आप किलोमीटर्स दूर की चीजों को एकदम पास और क्लियरली देख सकते हो, और एक DSLR लेंस से जिस तरीके का बैकग्राउंड ब्लर मिलता है कुछ उस तरीके के बैकग्राउंड ब्लर में फोटोज कैप्चर कर सकते हो अपने स्मार्टफोन के अंदर। और मार्केट में जो चीप क्वालिटी के टेलीफोटो लेंसेज अवेलेबल है, बिलीव मी इसका क्वालिटी उन सबसे काफी ज्यादा बेहतर है। ये लेंस एक बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का टेलीफोटो लेंस है, और पिछले कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद आज मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करने वाला हूं। तो इस लेंस का क्वालिटी पता करने के लिए वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वेलकम टू बलराम फोटोग्राफी। हमारे चैनल पर हम ऐसे ही फोटोग्राफी वीडियोग्राफी रिलेटेड इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट अपलोड करते रहते हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये है एपेक्सल 60x सुपर टेलीफोटो लेंस, और ये रहा लेंस का बॉक्स। बॉक्स के अंदर हमें सबसे पहले एक बहुत ही प्रीमियम सा केस देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर रखा है हमारा मेन यूनिट यानी कि ये एपेक्सल 60x सुपर टेलीफोटो लेंस। नाउ आप देख सकते हो ये लेंस काफी ज्यादा लंबा है, साथ ही साथ ये काफी ज्यादा भारी भी है क्योंकि ये बना है कम्प्लीटली एल्यूमिनियम से, और लेंस को फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ से ही कैप से प्रोटेक्ट किया गया है। और सामने की तरफ आपको यहाँ पर एक प्री अटैच्ड लेंस हुड भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद बॉक्स के अंदर आपको मिलता है एक ट्राइपॉड जो कि बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है। नाउ ये दिखता है एक मिनी ट्राइपॉड, लेकिन एक्चुअली में ये एक लंबा ट्राइपॉड है। इसके लेग्स को अगर आप बाहर निकालते हो तो ये 110 सेंटीमीटर का ट्राइपॉड बन जाता है। फिर यहाँ पर बॉक्स के अंदर आपको मिलता है एक बॉल हेड जो कि आपके इस ट्राइपॉड के ऊपर लगेगा, और इससे ट्राइपॉड के ऊपर जो भी चीज आप माउंट करेंगे उसको आप किसी भी तरफ रोटेट कर पाएंगे। फिर यहाँ पर आपको मिलता है एक फिक्सिंग रिंग जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपना ये जो लेंस है इसको इस ट्राइपॉड के ऊपर माउंट कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको मिल जाता है एक मोबाइल होल्डर, जिससे कि अगर आप अपने स्मार्टफोन को अपने ट्राइपॉड के ऊपर माउंट करना चाहते हो तो इस होल्डर की मदद से आप अपने स्मार्टफोन को ट्राइपॉड के ऊपर माउंट कर पाएंगे। फिर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है क्लिप जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपने लेंस को अपने स्मार्टफोन के ऊपर अटैच कर पाएंगे। और लास्ट में आपको मिल जाता है एक आईपीस जिसको इस्तेमाल करते हुए आप ये जो लेंस है इसको अपने आंख में लगाकर दूर की चीजों को देख सकती हो। तो इस आईपीस की मदद से आप इस लेंस को एज ए बाइनोकुलर इस्तेमाल कर सकते हो। तो बस यही रहा हमारा बॉक्स कंटेंट्स। अभी हम इस लेंस को असेंबल कर लेते हैं और अपने स्मार्टफोन के ऊपर अटैच करके देख लेते हैं किस तरीके का आउटपुट हमें देखने को मिलता है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं लेंस की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो ये लेंस बना है कम्प्लीटली मेटल फ्रेमिंग से, तो इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। साथ में आपको जो भी सारे एक्सेसरीज मिलते हैं, चाहे ट्राइपॉड, बॉल हेड या फिर ये मोबाइल होल्डर हो, सभी का क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। इस लेंस का मैग्नीफिकेशन है 60x, यानी कि इस लेंस से आप काफ़ी दूर की चीज़ों को एकदम पास और क्लियरली देख सकते हो। इस लेंस के टेलीफोटो रेंज का अगर मैं आपको एक आइडिया दूँ तो इस लेंस से एक बच्चे का फुल बॉडी पोर्ट्रेट कैप्चर करने के लिए मुझे उस बच्चे को लगभग 300 से 350 मीटर दूर खड़ा करना पड़ा था, तभी उसका फुल बॉडी पोर्ट्रेट मैं कैप्चर कर पाया था। और अगर आप इस लेंस से एक हाफ बॉडी पोर्ट्रेट कैप्चर करना चाहते हो तो तब आपको अपने सब्जेक्ट से लगभग 100 से 150 मीटर डिस्टेंस मेंटेन रखना पड़ेगा एक अच्छा हाफ बॉडी पोर्ट्रेट कैप्चर करने के लिए। तो इस लेंस का मैग्नीफिकेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो आप अपने सब्जेक्ट से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन रखकर एक अच्छा फोटो कैप्चर कर सकते हो, जो कि आपको बर्ड फोटोग्राफी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि बर्ड फोटोग्राफी में आप बर्ड्स के बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं जा सकते हो, तो तब आप एक अच्छा खासा डिस्टेंस मेंटेन रखकर इस लेंस से काफ़ी बढ़िया बर्ड फोटोग्राफी कर सकती हो। लेंस के बॉडी के ऊपर आपको एक मैनुअल फोकस रिंग देखने को मिल जाता है, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर मैनुअली फोकस कर सकती हो। और जब आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे तो आप देख पाएंगे अपनी फोटो का जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ब्लर हो जाएगा। अब इस लेंस के बैकग्राउंड ब्लर की अगर मैं बात करूँ तो इस लेंस से आपको काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिलता है, क्योंकि इस लेंस का जो मैग्नीफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। जो नॉर्मल हाफ बॉडी पोर्ट्रेट हम कैप्चर करते हैं उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिलता है, बिल्कुल एक DSLR लेंस की तरह बैकग्राउंड ब्लर आपको इस लेंस से मिल जाता है। इस लेंस को इस्तेमाल करते हुए मैंने काफ़ी सारे फोटोज़ और वीडियोज़ कैप्चर करे हैं। फोटोज़ और वीडियोज़ को आप देखिए, उसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताइए फोटो का क्वालिटी आपको कैसा लगा।
अब इस लेंस का मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से आपके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो है स्टेबलाइजेशन का। इस लेंस को अपने स्मार्टफोन में क्लिप करके आप हैंडहेल्ड एक स्टेबल फोटो या फिर वीडियो कैप्चर नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका जो मैग्निफिकेशन है वो बहुत ज्यादा हाई है, तो आपके सामने जो भी फ्रेम होगा वो बहुत ही ज्यादा शेक करेगा। तो अपने स्मार्टफोन से एक स्टेबल फोटो या फिर वीडियो कैप्चर करने के लिए इस लेंस को आपको अपने ट्राइपॉड के ऊपर माउंट करना पड़ेगा, तभी इस लेंस से आप एक स्टेबल फोटो और वीडियो कैप्चर कर पाएंगे। अब उसके अलावा जो मोबाइल टेलीफोटो लेंसेज होते हैं उसमें आपको ज्यादा शार्प फोटोज नहीं मिलते हैं, पर सच बताऊं तो इस लेंस से जो शार्पनेस मुझे अपनी फोटो में देखने को मिला है वो सच में काबिलियत तारीफ है। इससे पहले भी मैंने काफी सारे टेलीफोटो लेंसेज इस्तेमाल करे हैं, जैसे कि 26x टेलीफोटो लेंस या फिर कासे 300 टेलीफोटो लेंसेज। उन सभी लेंसेज में मुझे जो शार्पनेस अपनी फोटो में मिला था उन सबसे काफी ज्यादा शार्प फोटो मुझे इस लेंस से मिला है। अब अगर आपको लेंसेज के बारे में आइडिया होगा तो आपको पता होगा जो टेलीफोटो लेंसेज होते हैं उसमें क्रोमेटिक एवरिएशन का प्रॉब्लम होता है। इस लेंस में भी आपको क्रोमेटिक एवरिएशन का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, लेकिन वो तभी विजिबल होता है जब आप एग्नेस्ट द सन या फिर एग्नेस्ट द लाइट शूट करते हो और आपका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट कलर का होता है। यहाँ पर आप इस फोटो को देख सकते हो, इस फोटो में आपको जरा भी क्रोमेटिक एवरिएशन का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, पर आप इस फोटो को देखिए, इस फोटो में जो बैकग्राउंड है वो कम्प्लीटली व्हाइट है एंड एग्नेस्ट द लाइट मैंने इस फोटो को कैप्चर करे है, तो यहाँ पर आपको एजेस में काफी ज्यादा क्रोमेटिक एवरिएशन देखने को मिलेगा। तो जो नॉर्मल फोटोज आप कैप्चर करेंगे बैकग्राउंड को ब्लर करके, उसमें आपको ये जो क्रोमेटिक एवरिएशन का प्रॉब्लम है वो लगभग ना के बराबर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जो फोटो क्वालिटी है इस लेंस का वो काफी ज्यादा अच्छा है, और मार्केट में जो टेलीफोटो लेंसेज अवेलेबल है इसका क्वालिटी उन सबसे काफी ज्यादा बेहतर है। तो प्रोफेशनली तो नहीं, पर अगर आप बर्ड फोटोग्राफी का शौक रखते हो या फिर बैकग्राउंड ब्लर करके खुद के फोटोज कैप्चर करना चाहते हो तो ये लेंस मेरी तरफ से आपके लिए रिकमेंडेड है। इस लेंस को आप जरूर परचेस कर सकते हो। परचेस करने का बेस्ट बाय लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, वहां पर से fxl.in वेबसाइट पर जाकर आप इस लेंस को या फिर मोबाइल के लिए प्रीमियम क्वालिटी के मैक्रो वाइड या फिर टेलीफोटो लेंसेज को परचेस कर सकते हो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक होगा, एक बार जरूर चेक कर लेना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा और इस लेंस का क्वालिटी आपको कैसा लगा, फोटो एंड वीडियो क्वालिटी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।